नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम की QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसके अंतर्गत हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत मोर स्पेसिफिकली जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे ब्रिटिश पीरियड के दौरान, उसके अंतर्गत हम कुछ सामाजिक संगठन और उससे जुड़े व्यक्तियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से, उनको हल कर रहे हैं और साथ साथ और तथ्यों को भी शामिल कर रहे हैं ताकि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से अगर भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आता है हम उसको हल करने में सक्षम हो। उसी सीरीज में यह 25th लेक्चर है। इससे पहले 24 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। उनको आपने अगर नहीं देखा है तो नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए पहले आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है उसके लिए एक बहुत ही लाभदायक श्रृंखला सिद्ध होगी। जो आज के लेक्चर है उसमें मोर स्पेसिफिकली हम धर्म सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो आधुनिक भारतीय इतिहास में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुए थे साउथ इंडिया में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था टेम्पल एंट्री मूवमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं भारत धर्म महामंडल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे और वैकम सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल। 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की? बेसिकली जो धर्म सभा की स्थापना हुई थी 1830 में हुई थी, ये क्वेश्चन तो यहीं पर ही बनता है। और उसके बारे में धर्म सभा के बारे में बताया गया कि एक रूढ़िवादी समाज था, ये सामाजिक और धार्मिक मामलों में यथाशक्ति के संरक्षण के लिए समाज था। मतलब ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे थे, जो चेंजेस की तरफ सोसाइटी अग्रसर थी उसके अपोजिट में थे, उसको विरोध करते थे। यहाँ तक इन्होंने सती परंपरा का भी विरोध किया था धर्म सभा ने। देख लेते हैं किसने इसकी स्थापना की थी। ए राधाकांत देव ने, बी श्रीनिवास शास्त्री, सी मदन मोहन मालवीय या डी बाल शास्त्री जांबेकर। तो जो राधाकांत देव थे उन्होंने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की थी। बेसिकली जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजा राम मोहन राय ने एक संस्था की स्थापना की थी ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की, जो 1828 ईस्वी में की थी, जो कि एक ट्रेडिशनली जो कस्टम चला आ रहा था उसके अगेंस्ट में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में उन्होंने काफी प्रयास किया और सती प्रथा को अंत करने में ही उन्हीं का योगदान था। तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है 1830। वहीं हम अगर श्रीनिवास शास्त्री जी की बात करते हैं तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी 1905 ईस्वी में, तो उनकी मृत्यु के पश्चात 1915 में जो प्रेसिडेंट पद था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का, उसको जो संभाला था वो श्रीनिवास शास्त्री जी ने संभाला था। और मदन मोहन मालवीय के बारे में हम जानते हैं कि जो BHU के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इनके बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बाल शास्त्री जांबेकर के बारे में हमने डिस्कस किया था, ही वॉज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के बारे में, पिछले लेक्चर में आप उसको देख सकते हैं। और उन्होंने वीकली दर्पण नामक एक पेपर की शुरुआत की थी 1832 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। भारत धर्म महामंडल पंडित दीनदयालु शर्मा द्वारा 1887 में किस स्थान पर स्थापित एक प्रमुख हिंदू संगठन था? तो क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं तो वहां डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसे ही कि भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित दीनदयालु शर्मा ने की थी। और कब की थी? 1887 में। अब यह क्वेश्चन है कहाँ की थी उसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वाराणसी में, ऑप्शन बी पुरी में, ऑप्शन सी हरिद्वार में या ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो भारत धर्म महामंडल जो बेसिकली प्रमुख हिंदू संगठन था और वो पंडित दीनदयालु शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था 1887 में। क्वेश्चन काफी पूछा गया है एग्जामिनेशन में और ये उन्होंने जो स्थापना की थी वो हरिद्वार में की थी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हरिद्वार। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। भारत धर्म महामंडल के मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेसिकली 1887 में जैसा डिस्कस किया दीनदयालु शर्मा जी ने जो स्थापना की थी हरिद्वार में, लेकिन इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थापित है वो है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए इलाहाबाद में, बी वाराणसी में, सी गोरखपुर में या डी दिल्ली में। तो जो इसका मुख्यालय है भारत धर्म महामंडल का वो है वाराणसी में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। 1861 में शिवदयाल साहब के नाम से भी जाने जाने वाले तुलसीराम, यानी तुलसीराम जी को हम शिवदयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये किस स्थान पर की थी ये क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन इसमें भी छुपे हैं कि शिवदयाल साहब को ही तुलसीराम के नाम से जाना जाता है और उन्होंने ही राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की थी, और कब की थी? 1861 में। ऑप्शन देख लेते हैं, ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी वाराणसी और या ऑप्शन डी कोलकाता। तो शिवदयाल साहब या तुलसीराम जो रिलेटेड हैं वो जगह है वो आगरा से, और उन्होंने ही आगरा में 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये पीसीएस में काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी आगरा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, किस स्थान पर वोकालिंगा संघ की स्थापना 1905 में हुई? तो वोकालिंगा संघ भी साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था, और ये 1905 में इसकी स्थापना हुई थी वोकालिंगा संघ की, और ये कहां पर हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन है। करेक्ट देख लेते हैं, ए वाराणसी में, बी मदुरै में, सी मैसूर में या डी बंबई में। तो वोकालिंगा संघ जो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्चुअली इसका सी, मैसूर में इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, त्रावणकोर प्रशासन के साथ मंदिर प्रवेश का मुद्दा किसने उठाया? बेसिकली जो साउथ इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट हुआ था रिलेटेड टू सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, बेसिकली रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की यहाँ बात करते हैं, कि उस समय टेम्पल में जो एंट्री को कुछ खास के लिए बैन किया गया हुआ था, और वो उनको अधिकार नहीं था कि वो टेम्पल में एंट्री कर सके। तो इस समय पर त्रावणकोर प्रशासन, बेसिकली त्रावणकोर एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ जो किंग था या राजा था उसके खिलाफ जो है ना उन्होंने मुद्दा उठाया, टेम्पल एंट्री आंदोलन की शुरुआत की थी, बेसिकली यहीं से शुरुआत हुई थी। और किसने उठाया उसके बारे में क्वेश्चन है, ए पी त्यागराजन ने, बी ई वी रामास्वामी नायककर ने या सी टी के माधवन या डी प्रोफेसर कोई नहीं। तो जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले की थी वो की थी टी के माधवन ने। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी टी के माधवन। इन्हीं के साथ कुछ और व्यक्ति भी जुड़े हुए थे इस मूवमेंट के अंतर्गत, जैसे श्री नारायण गुरु या एन कुमारन, उनका नाम प्रमुख है। तो अगर क्वेश्चन आता है टी के माधवन या श्री नारायण गुरु या एन कुमारन, तो इन तीनों ही व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे, और प्रमुख रूप से जो सबसे अग्रणी व्यक्ति थे टी के माधवन के नाम से जाना जाता है उनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, किस वर्ष केरल में केपी केशवा के नेतृत्व में वैकोम सत्याग्रह यानी मंदिर प्रवेश से जो संबंधित सत्याग्रह था उसका शुभारंभ किया गया था? त्रावणकोर के उत्तरी भाग में वैकोम मंदिर प्रवेश के लिए एक आंदोलन का केंद्र बन गया था। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो सब छुपे हैं उनके अर्थ समझ लेते हैं, कि जो केरल में स्टार्ट हुआ था वैकोम सत्याग्रह, एक तो ये चीज है, और किसने किया था? वो केपी केशवा ने किया था। और जो त्रावणकोर है उसके उत्तरी भाग में वैकोम स्थित है, बेसिकली त्रावणकोर जो उस समय एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, तो वैकोम बेसिकली एक सेंटर ऑफ रिवोल्ट बन गया था टेम्पल एंट्री मूवमेंट का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट का जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट था वो कौन सी जगह थी, वो वैकोम थी, उसी के नाम से वैकोम सत्याग्रह या वैकोम मूवमेंट के नाम से ये जाना जाता है। तो उसकी शुरुआत केपी केशवा ने की थी, और ये कब की थी वही क्वेश्चन है। तो ए 1924 में स्टार्ट किया था, बी 1926 में, सी 1928 में या डी 1930 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1924 में। तो वैकोम सत्याग्रह केपी केशवा द्वारा लॉन्च किया गया था केरला में, और करेक्ट आंसर इसका ए 1924। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैकोम सत्याग्रह और उससे रिलेटेड पीपल जो कि केपी केशवा थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, और सेंटर ऑफ रिवोल्ट वैकोम ही था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, वैकोम सत्याग्रह को पंजाब और मदुरै के जत्थों ने मजबूत किया था, बेसिकली यहाँ से लोग बहुत ही ज्यादा इसको सपोर्ट मिला था, और जिन्होंने आंदोलन के समर्थन में केरल का दौरा किया था। बेसिकली वैकोम सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ था तो एक जो प्रमुख व्यक्ति हैं वहां पर गए और इस सपोर्ट को उसने प्रोत्साहित किया और समर्थन किया इस मूवमेंट के लिए। तो उनका नाम के बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए जवाहरलाल नेहरू ने विजिट किया था, बी महात्मा गांधी ने, सी सरदार पटेल ने या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो वैकोम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था जिसको पंजाब और मदुरै के जत्थों ने बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया था, मजबूत किया था, और उसी के सपोर्ट में जो व्यक्ति वहां पर विजिट किए थे वो थे महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी महात्मा गांधी। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे, उन्होंने जो प्रमुख उसके पश्चात तीन जो स्ट्रगल हुए थे उनमें पार्टिसिपेट किया था, और उनको जो स्ट्रगल और सत्याग्रह चल रहा था
जो कठिनाई पैदा हो रही थी उसको समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो फर्स्ट सिविल डिसऑबिडियंस के नाम से भी जाना जाता है, और वहीं पर नेक्स्ट ईयर 1918 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं, और उसके पश्चात 18 में खेदा सत्याग्रह हुआ था जिसको फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से जो केरल में वैकुम सत्याग्रह हुआ था 1924 में जो शुरुआत हुई थी उसके सपोर्ट में भी गांधी जी गए थे, तो इस वजह से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 1931 में फिर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट की बात करते हैं उसको जब निलंबित कर दिया गया था तो केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ये बात है जब 1931 में जब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था तो उस समय साउथ इंडिया के केरल की बात करते हैं वहां पर टेंपल एंट्री मूवमेंट काफी जोर शोरों पर था और उसका आयोजन बेसिकली किन्होंने किया था, क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं। के केलप्पन, स्टेटमेंट दो कवि सुब्रमण्यम तिरुम्बु, उनके केरल की तरवाल गायन के नाम से भी जाना जाता है, सिंगिंग सॉर्ड ऑफ केरला के नाम से जाना जाता है कवि सुब्रमण्यम तिरुम्बु को। तो इसमें से दो लोग हैं उनके बारे में है कि केवल इन्होंने केवल एक जो सही है यानी के केलप्पन ने उसको आयोजन किया था, बी केवल दो सही हैं या कवि सुब्रमण्यम तिरुम्बु ने किया था, सी एक या दो दोनों सही हैं दोनों इन्वॉल्व थे उसमें, या डी अप्रोक्सिमेट से कोई भी नहीं। तो जब 1931 में सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, उस समय टेंपल एंट्री मूवमेंट केरल में बहुत ही ज्यादा पीक पर था और जो प्रमुख उसके अगुवाई थे या लीडर थे वो के केलप्पन और कवि सुब्रमण्यम तिरुम्बु थे। तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मद्रास में मंदिर प्रवेश आंदोलन यानी टेंपल एंट्री मूवमेंट के प्रमुख नेता कौन थे? बेसिकली जो टेंपल एंट्री मूवमेंट वो है मद्रास प्रोविंस में भी फैल गया था और वहां पर जो प्रमुख नेता है जिन्होंने इसको लीड किया था उसके बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी पी त्यागराजा, ऑप्शन सी टी के माधवन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये बात है 1938 की, तो टेंपल एंट्री मूवमेंट मद्रास तक स्प्रेड हो गया था और जो वहां पर लीडर थे जिन्होंने इसको लीड किया था वो सी राजगोपालाचारी थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। और ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, जैसे एक यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया था कि जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट है उनको लीड किया था मद्रास में किन्होंने किया था, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है। तो उसी हिसाब से ये टेंपल एंट्री मूवमेंट जो मद्रास में लीड किया था वो किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सी राजगोपालाचारी उन्होंने लीड किया था टेंपल एंट्री मूवमेंट को मद्रास में। इस तरीके से दोस्तों आज का लेक्चर है जो आधुनिक भारतीय इतिहास के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से संबंधित था, उसमें हम कुछ जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े व्यक्तियों के बारे में डिस्कस किया जिनमें धर्मसभा या टेंपल एंट्री मूवमेंट, वैकुम सत्याग्रह और भारत धर्म महामंडल प्रमुख है। आपके लेक्चर कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जाते जाते नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।